Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सही कहा अनुज ने, यहीं पे रोक लगानी होगी। क्यों? क्योंकि छोटी ग्रेटिट्यूड नहीं एटीट्यूड दिखा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज छोटी का ये व्यवहार देख के, डिस्क्रिमिनेशन वाला, जिसमें पापा अच्छे हैं मां बुरी है, हैरानी हुई, क्योंकि ऐसी तो छोटी कभी भी नहीं थी। छोटी ने जब एंट्री मारी थी इस धारावाहिक में, वो एक ग्रेटिट्यूड वाली लड़की थी, कान्हा जी की भगत थी, कान्हा जी से सारी बातें करती थी। मगर आज जिस छोटी को हम देख रहे हैं उसमें एटीट्यूड है। तो अनुज की बात तो सही में दिल में लगी कि अभी रोक लगानी होगी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। छोटी को बहुत अच्छे से पता है कि वो एडॉप्टेड चाइल्ड है। ये वही छोटी थी जो कान्हा जी से रोज प्रेयर करती थी कि मां बाप को भेज दो। और अनुपमा से जो छोटी की मोहब्बत थी, प्यार था, वो एक अलग ही लेवल का था, जिसमें छोटी कई बार इतनी समझदारी की बातें करती थी कि अनुपमा भी हैरान हो जाती थी। माया के साथ छोटी गई क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को अलग अलग नहीं देख सकती थी। उसके मन में अपने मम्मी पापा के लिए प्यार था, मम्मी के लिए प्यार था। और बड़े ही साफ शब्दों में छोटी ने कहा था कि मम्मी आप मुझे समझती हैं, आप पापा को मत बताना कि मैं क्यों माया के साथ गई। अनुपमा ने छोटी के लिए बहुत कुछ किया, अपना बड़ा सपना भी त्याग दिया। जब भी छोटी बीमार होती है मम्मी मम्मी रोती है। मगर आज जो छोटी कह रही थी इसमें सिर्फ एटीट्यूड ही दिखाई दे रहा था। आपको याद होगा जब छोटी आई थी कपाड़िया हाउस में और जब बा कोई ऐसा ताना मारती थी तो छोटी बार बार यही सोचती थी और कह भी देती थी कि आप कहीं मुझे अनाथालय तो नहीं छोड़ाओगे, क्योंकि वो डर था, उस माहौल में जाने का डर था। तो क्या ये समझा जाए कि छोटी को अब ऐशो आराम की आदत पड़ गई है? छोटी वो सब भूल चुकी है जो वो जी के आई है? क्योंकि जो छोटी एटीट्यूड दिखा रही है एक दो दिनों से, हम समझ सकते हैं कि ये मालती देवी की चाल है, मालती देवी छोटी को भड़का रही है वगैरह वगैरह, कोमल मन पे सब असर हो रहे हैं। मगर इस कोमल मन को कहीं ना कहीं हम जानते भी हैं, क्योंकि गुस्से में मालती देवी के बहकावे में आके छोटी कुछ भी कह जाए, अंडरस्टैंडेबल है कि छोटी ने कहा। मगर आज छोटी शांत थी और अपने पापा से बात कर रही थी और साफ साफ कह दिया कि पापा आपको भी गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मम्मी के कारण, मतलब मम्मी ही है विलन हमारी लाइफ में। तो क्या मतलब ले कोई इस बात का? यही ले सकता है कि ये ग्रेटिट्यूड वाली छोटी एटीट्यूड में बदल गई है। बुरी ताकतें अपना असर छोड़ती हैं, समझ में आता है, मगर कहीं ना कहीं अच्छी ताकतें भी हैं जिसकी बात छोटी सुनती थी, समझ में भी आती थी। अभी लास्ट इवेंट में ही छोटी कितना अपनी मम्मी की वेट कर रही थी स्कूल में जब इसका कुछ कंपटीशन था, और अचानक से छोटी को इतना सब कुछ समझ में आ गया मालती देवी का कि छोटी इस लेवल पे गिर गई। क्योंकि बच्चे के ट्रैक को बड़ी ही जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप करना पड़ता है, जो छोटी के साथ अब अचानक से झटके वाला जो है सीन हमने देखा है। पहले छोटी जो भी बोल रही थी, जो भी दिखा रही थी, उसका असर हम समझ रहे थे कि बच्चे के ऊपर असर है, गुस्सा है बच्चे को। मगर बच्चों के गुस्से की कहावतें हमने सुनी, हम खुद जी चुके हैं कि उनका गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह होता है, अल्टीमेटली वो माँ के पास जाता ही जाता है बच्चा। यहां पे छोटी माँ के पास जाना तो दूर, माँ से दूर जा रही है। और अब जो अनुज कह रहा है वो बात अनुपमा को माननी चाहिए। अगर अनुपमा नहीं भी मानती है तो अनुज को खुद करना चाहिए, खुद छोटी से इस लेवल पे बात करनी चाहिए, क्योंकि अनुज का भी छोटी से जो भी रिलेशन है एक बहुत ही प्रोफाउंड रिलेशन है, एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो अनुज को बात करनी चाहिए छोटी से।
क्योंकि ये बात बिल्कुल अनुपमा की सही है कि चाहे कितना भी बच्चों को पालने का एक्सपीरियंस हो, नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है, और हर बच्चा अपने ही तरीके से पलता है क्योंकि बच्चे की अपनी भी लाइफ होती है, अपनी भी सोच होती है। और अगर ये छोटी इसी तरह से आगे बढ़ती रही दोस्तों, तो ये छोटी बहुत ही रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करेगी उन लोगों के लिए जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए हैं। वो लोग डरेंगे बच्चों को अडॉप्ट करते हुए कि ये हमने बच्चा क्या अडॉप्ट कर लिया, शायद इसने जायदाद के लिए ही हमें अपनी अडॉप्शन की जो भी आगे बढ़ी है चीजें वो ऐसे हुई हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक सा आज मुझे एंगल लगा है इस धारावाहिक का कि छोटी ने जिस तरह अनुपमा की डिसरिस्पेक्ट की है अनुज के सामने, एकदम से ही छोटी ने ये दिखा दिया सबको कि ये तो मेरी मां है ही नहीं, कि मुझे मां चाहिए ही नहीं। दिल भी दुखा क्योंकि जितना अनुपमा मां का रोल निभाने में अनुपमा सक्षम रही है अपनी तरफ से, जो भी उसने एफर्ट्स किए हैं अपने आप को सैक्रिफाइस करके, उसके बाद अगर हर बच्चा यही रिजल्ट देता है तो दुख तो होता ही है, चाहे अनुपमा की खुद की भी गलतियां हों, मगर भावनाओं को जब ठेस लगती है तो दुख तो होता ही है, हर मां को होगा, क्योंकि हर मां ये दर्द समझ सकती है। ये नहीं करेगी मां अगर कोई बच्चा किसी मां के साथ बदतमीजी कर रहा है तो वहां पे राइट रॉन्ग करना शुरू कर दे। सबसे पहले उस मां की भावनाओं को समझना जरूरी है कि जिसको अभी अभी ठेस लगी है। तो ये तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा आज की कड़ी में। मैंने कभी छोटी पे इस तरह से ओपनली बात नहीं की है, मगर आज मन किया बोलने को, क्योंकि ये छोटी इतनी प्यारी थी, इसके अंदर इतना ग्रेटिट्यूड था, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना, यही क्वालिटी देख के तो अनुज ने कहा था कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, ये छोटी अनु है। मगर आज छोटी अनु क्या बन गई है, छोटी पाखी क्या कहें इसको। तो आप बताइएगा आपका भी क्या टेक है इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इसके बारे में ओपिनियन हो सकते हैं। तो बताइएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.